आपको देनी चाहिए थी। वो 20 करोड़ नौकरियां कहाँ है? क्या युवाओं को वो नौकरियां मिली? आपने देशवासियों से पूछा है क्या? क्या वो 10 की जॉब करने, 10 से 6 की जो जॉब होती है वो करने में खुश है क्या? साथियों, आज पूरा देश कोई जॉब नौकरी नहीं करना चाहता है। मोदी ने ऐसा काम किया है, आपको जानकर के हैरानी होगी जी। पिछले 10 सालों में 2014 के बाद एक सोशल मीडिया की क्रांति आई है, और उस क्रांति में चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर कोई रील बनाने में लगा हुआ है। मैंने देखा पिछले दिनों तो एक चाय वाला बड़ा मशहूर हुआ। उससे जाकर के पूछिए क्या वो पढ़ा लिखा है क्या? क्या वो रोजगार मांगता है क्या? क्या वो नौकरी मांगता है क्या? लेकिन मोदी ने उसे 2014 के बाद ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाई, देश में या तो रील बन रही है या रील देखी जा रही है। सर नमस्कार, आपने कहा था कि काला धन की काट करेंगे और काले धन पर लगाम लगाएंगे और फिर जब वो वापस आ जाएंगे तो उसमें 15-15 लाख लोगों को बांट दिए जाएंगे, लेकिन तमाम आंकड़ों के हिसाब से सारा धन वापस नहीं आया है। तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि 15 लाख रुपए के नाम पर लोगों को छला गया? देखिए ऐसा है, कैमरा चल रहा है क्या? बंद कर दीजिए थोड़ा इसको, ये वैसे ही वार्तालाप करते हैं। क्या मैं आपको 15-15 लाख अभी दे दूं तो क्या ये बीच में सवाल डिलीट हो सकता है क्या? ये आगे ना पूछा जाए। ऐसे आपको अगर ऐसे चाहिए तो मैं कर देता हूं। ये थोड़ा सा सवाल बहुत पुराना सवाल है और इससे बहुत पीड़ा भी होती है। मोदी जी, आपकी पार्टी और आपके नेता और खुद आप लगातार कहते रहते हैं कि आप लोग देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है और आप कैसे साबित करोगे कि भारत विश्व गुरु बन गया है? ये हुआ ना सवाल, देखिए अभी मोदी आपको बताएगा विश्व गुरु कैसे बना भारत। मोदी ने जिस दिन मैं प्रधान सेवक बना उसी दिन मैंने ये ठान लिया था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत के किसी न किसी नागरिक से दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ सीखे, और इसलिए आज 2024 आते आते मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है। पिछले कुछ सालों पहले मेरे मित्र बराक ने मुझे कहा था कि मोदी तू तो बहुत काम करता है रे, तू तो विश्वगुरु बना करके ही दम लेगा। और आज जब बिल भारत आया, बिल गेट्स की बात कर रहा हूं, मेरा तो पुराना यार है, बिल जब भारत आया था तो मैंने बिल को बताया था कि बिल अगर इस समय में जीना है, अगर इस समय में उठ खड़ना है, अगर इस समय में चर्चा का विषय बनना है तो एक मैं तुम्हें सिखाता हूं। बिल ने बड़ी हैरानी से पूछा कि मोदी ऐसा क्या है जो तू मुझे सिखाएगा? मैंने कहा वो एक चाय वाला बहुत मशहूर है। बिल बोला तुमसे भी मशहूर है क्या? मैंने कहा वो बहुत मशहूर है। बिल जब जाकर के उसके साथ वीडियो बनाई, बिल के सारे रिकॉर्ड टूट गए और बिल ने कहा मोदी तूने हमें बहुत अच्छा सिखाया है। और बिल कोई छोटा व्यक्ति नहीं है जी, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को हमने सिखाया है कि किस प्रकार से वर्तमान में जिया जा सकता है, किस प्रकार से रीले बनाई जा सकती है, किस प्रकार से वीडियो बना करके चर्चित रहा जा सकता है। और आज पूरी दुनिया हमें देख रही है और पूरी दुनिया वीडियो बनाना सीख रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही है, और दुनिया कह रही है मोदी जी आपसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर सिखाने में हमें कोई नहीं है। क्या ये विश्व गुरु नहीं बना है क्या भारत?
मोदी जी, ये बताइए कि विश्व गुरु की बात तो चलिए आपने जो भी जवाब दिया वो दिया कि हम रीलों के विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन ये बताइए कि आप जब आए थे सत्ता में, आप कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना चाहते थे, गरीब लोगों को आप अमीर बनाना चाहते थे, आपने कहा हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, अब ऐसा लगता है हवाई जहाज का किराया इतना हो गया है कि हवाई चप्पल खरीदने के ही पैसे बचेंगे। अब जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब के बीच की, आपके जो परम मित्र हैं दो लोग खासकर कारोबारी मित्र, उनमें से एक के यहाँ शादी होती है तो आप बाकायदा डोमेस्टिक एयरपोर्ट को, जो बड़ा ही संवेदनशील एयरपोर्ट है, उसको आप इंटरनेशनल बना देते हैं। हद तो ये हो गई मोदी जी, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आपने एयरफोर्स के लोगों को वहां बिल्कुल कर्मचारियों की तरह लगा दिया एक कारोबारी की शादी में। जब मैं ऐसे सवाल सुनता हूं, ऐसी बातें सुनता हूं, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मोदी जिस दिन पूरे देश का प्रधानमंत्री बना, उसी दिन मैंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा देश हमारा परिवार है, हर देश का वासी हमारा परिवार का हिस्सा है। तो क्या अगर परिवार के किसी व्यक्ति की शादी हो तो उसमें क्या परिवार के सारे सदस्य कार्य नहीं करेंगे क्या? मुझे आपसे जरा जवाब चाहिए जी, क्या आपके घर में शादी होगी तो क्या परिवार अलग से बैठेगा क्या? क्या आपके घर में शादी होगी तो कोई कार्य नहीं करेगा क्या? कोई कोई पाकिस्तान से लोग आते क्या? कोई चाइना से लोग आते क्या? कोई बांग्लादेश से लोग आते क्या? किस प्रकार की बातें हो रही है? हर देश का नागरिक उस शादी में वीडियो देख करके खुद को सम्मिलित पा रहा था। और जिस आप जो एयरफोर्स के लोगों की बात कर रहे हैं, जो गए थे उन्होंने तो बहुत वहां पर मनोरंजन किया, जो नहीं गए थे उन्होंने मुझसे बोला कि जी हमसे क्या गलती हो गई थी जी, हमें भी भेज देते। तो ये पूरे एक परिवार में जी मैं हिस्सा मानता हूँ। मोदी जी, आप राष्ट्रवाद पर लोगों से वोट मांगते नजर आते हैं हमेशा ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो चीन है वो लगातार अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है। अक्षाई चीन क्षेत्र हो, अरुणाचल प्रदेश हो, या दक्षिण जो चीन सागर है उसे वो अपने क्षेत्र में शामिल करके एक नक्शा तक उसने जारी कर दिया आधिकारिक तौर पर, और आपकी सरकार सिर्फ लाल आंखें दिखाती रह गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की जाती, लेकिन अब 10 सालों में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे करनी भी पड़ेगी। मैंने काफी दिन पहले उन्हें फोन करके जवाब दे दिया था। मैंने कहा चेंगवेई मामाशी सांची दे गंजोई, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उनको जवाब दिया है। ऐसे क्या देख रहे हैं जी? इसका मतलब भी बता दीजिए। देखिए, आपको समझ नहीं आया? मैंने तो पहले ही कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो ये चाइना की भाषा थी, आपको कैसे समझ आएगी? मोदी जी, आपने इस बार नारा दिया है आपकी बार 400 पार, लेकिन अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या मतलब सियासत से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे? प्लान क्या है आपका? देखिए, अब की बार 400 पार की बात हो रही है और मोदी का एक ही नारा आज तक फेल नहीं हुआ है। मोदी ने अगर बोला है अब की बार 400 पार, तो ये मोदी की गारंटी है और गारंटी पूरी करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी दो चरणों के चुनाव के बाद थोड़ा मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अब उम्र हो गई है तो थोड़ा 4 घंटे से ज्यादा सोया जा सकता है। तो ऐसा ही होगा कि अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो हमारा क्या है, मोदी तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा करके चल देंगे। अभी अगर आपसे कुछ और मुझे
चीजें साझा करनी है या आपको मुझसे कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद फिर मैं करूं नहीं।